15-16 बार तो आ चुका हूँ कंसर्ट के लिए। नहीं, प्राइवेट विजिट। कंसर्ट के लिए एक बार आया था, फर्स्ट एक बार फर्स्ट आया था 20 साल पहले, और उसके बाद एक बार आया था जब कंसर्ट हुआ नहीं था। और ऐसे मैं, नेपाल मेरा एक पसंदीदा जगह है, इसलिए मैं साल में 2 बार यहाँ पे आता हूँ। 20 साल में क्या क्या चेंजेस फील किया? बहुत चेंजेस हुआ, मैंने इस बार देखा लॉट्स ऑफ चेंजेस। लाइक आपको किस चीज ने कैच किया? एक तो रोड्स का काफी हुआ, मतलब इंटीरियर में, इंटीरियर में, सबाब में रोड्स का अभी तक उन्नति हुआ नहीं, वो थोड़ा सा अभी भी कमजोर है। लेकिन इन द सिटी देयर इज, जो पहला पोजीशन था उससे 1000 टाइम बेटर है सिटी में। दूसरी बात है कि आपका एयरपोर्ट जो है काफी बड़ा बन गया अभी। इट्स पहले हुआ करता था, हमको याद है, लाल कलर का होता था पूरा सब उनका घर बार, जो मतलब एयरपोर्ट का जो ये होता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो था, एंड एयरपोर्ट कारपेटेड नहीं था पहले, रनवे इतना बड़ा नहीं था, जो कि बहुत बड़ा हुआ। और इस बार मैं एक चेंजेस देखा कि मेरा उतरते, मैं जब भी हमेशा आते थे देखता था कि हमारा ही एक फ्लाइट आया और बाकी नेपाल एयरवेज का एक फ्लाइट खड़ा रहता था एयर नेपाल। अभी इस बार मैंने उतरे तो देखा पूरा भरा हुआ है यार, मतलब वो जो पार्किंग प्लेस वहाँ पे दुनिया भर का फ्लाइट, जैसा कतार हो या इंडिया का तो है ही छोड़ो, बाकी बहुत सारे फ्लाइट्स वहाँ पे देखा मैंने। ये सब चेंजेस लगा। फिर ये एक जगह जो है, ये चंद्रगिरी हिल्स, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, मैंने इंजॉय कर रहा हूँ। सुना था पहले इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना था। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है ये। इसका पब्लिसिटी होना चाहिए। एक इतना खूबसूरत जगह और इतना पॉल्यूशन फ्री, आपका केबल कार से लेके एवरीथिंग इज देयर, इतना खूबसूरत मंदिर और इतना साफ सुथरी, सबसे बड़ी बात। मैं पशुपतिनाथ 20 साल पहले गया था, मैं उसका बयान नहीं कर सकता, इतना गंदगी मचा हुआ था। मैं थोड़ा सीधा सीधा ही बोलना पसंद करूँगा, झूठ बोलने का फायदा नहीं, क्योंकि पशुपतिनाथ हमारा भी भगवान है। तो हम पशुपतिनाथ में उस समय जो देखा था कि बहुत ही हालत खराब था, इस बार काफ़ी चेंजेस है। एंड बाकी तो देखो, बाकी तो और क्या आप सुनना चाह रहे हैं? और कंसर्ट के दौरान क्या क्या चेंजेस फील हुआ? नहीं, कंसर्ट के दौरान तो बहुत कुछ हुआ, आपके कंसर्ट में थे? नहीं, नहीं, नहीं थे। हमें तो इन्होंने इनवाइट ही नहीं किया था। जी जी। तो कंसर्ट के बारे में बात मुझसे कीजिए, हम लोग ऑर्गेनाइजर हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। बट आई एंजॉयड किया ही, बट आपको कैसा लगा वहां पे? आपको कैसा लगा? ऑडियंस कैसे थे? उनका रिएक्शन कैसा था? मैंने थॉरली एंजॉय किया। पब्लिक का जो रिस्पांस था, जो एप्लॉज था, इट्स अमेजिंग। दे आर डाइंग टू लिसन देयर मेमोरेबल सॉन्ग्स, ऑल द मेमोरेबल सॉन्ग्स। आई सैंग नियर अबाउट 3 नेपाली सॉन्ग्स, जैसा मत अवरी सोचू या भरे आउँछु सपनीमा, यो कथा हो तृष्णा मेरो, इस तरह के सब जो गाने हमने वहाँ पे गाए, और साथ में हमारा हिंदी का जो फेमस है वो। तो ये अमेजिंग एक्सपीरियंस था इस बार मेरे को, मैं थॉरली एंजॉय किया नेपाल को, इस बार मैं एंजॉय किया। बाकी हम आते थे कैसीनो खेलने के लिए और कैसीनो खेल के चले जाते थे। पहले पहले जब आप नेपाली सॉन्ग गाते थे ना, उस टाइम पे सॉन्ग कैसे चूज करते थे आप? नेपाली सॉन्ग किस लिए गाते थे आप? ये कुछ देखिए, हम मोर देन 20,000 सॉन्ग्स गा चुके हैं और 25 लैंग्वेजेस में मैं गा चुका हूँ। तो नेपाली गाना आज से नहीं, मैं मेरा शुरुआती तौर का मुझे कुछ याद है कि हम जब होटलों में गाया करते थे, तो हम सिलीगुड़ी के एक होटल, आप बहुत फेमस होटल था, उसका नाम क्या था, फाइव स्टार होटल था सिलीगुड़ी में, तो वहाँ पे नारायण गोपाल जी का
जो नेपाली गाना ना, क्योंकि नेपाली कस्टमर हुआ करता था, तो मजबूरन हमने नेपाली गाना वहाँ से शुरू किया। फर्स्ट सॉन्ग याद है आपको क्या गाया था? या एक्सक्यूज मी, फूल चुड़ैल लाने हो कि आप गाना सुना नहीं है, ये सुपर डुपर सॉन्ग था। ये सब गाना मैं वहाँ पे होटल में गाया करते थे और बहुत एप्रिसिएशन हुआ करता। Indian songs gaate vakt aur Nepali songs gaate vakt ka difference aapne kya feel kiya? Now it is it's a tremendous difference. Kyunki Nepal mein abhi bhi melody barkarar hai. Main I will request our Nepali bhai bahan jo bhi hai sabko main request karunga ki aap Bollywood ka pollution se dur rahiye. Ye hum aapko request karenge kyunki aapka jo khud ka jo culture hai, khud ka jo, kyunki we are all Hindus. So hamara jo culture hai na, वो कल्चर इंडिया में अभी देखने को नहीं मिलता है। वो कल्चर हमें नेपाल में आके मिलता है। आप यकीन नहीं मानोगे, 90s के बाद कम से कम नहीं तो 10 साल तक हर दुर्गा पूजा में मैं यहाँ पे रहा 90s के बाद। या क्योंकि मुझे जो एक डिवोटी की तरह जो एक पूजा होता है ना, वो इंडिया में मिसिंग है।